तो बिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चिप्सर में मैं आपको हमेशा की तरह ही इंडियन फुटबॉल और आईसीएल सीजन 6 से जुड़े कुछ नया और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। तो पहला अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी का मेन स्ट्राइकर एडिनसन संतने चोट के चलते पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो चुका है इस सीजन में, यानी कि आईसीएल सीजन 6 में वो अब नहीं खेलेगा ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी ने एकदम ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। 14 मैच खेला था ओडिशा एफसी की तरफ से, टोटल 9 गोल लगाया था संतना, लेकिन दोस्तों उनका जो गोल्डन बूट का सपना था इस बार टूट गया है। गोल्डन बूट के रेस में सबसे ऊपर भी वो एक बार आ गया था, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं है इस सीज़न में। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनको रिटर्न भी कर ले ओडिशा एफसी। अभी तक इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सीजन में शायद वो रिटर्न भी हो सकता है ओडिशा एफसी द्वारा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बेंगलुरु एफसी की तरफ से। तो बेंगलुरु एफसी ने आज एकदम ऑफिशियली नीली पर्डोमा को घोषणा कर दिया है। आप लोग जानते होंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एक नया विदेशी खिलाड़ी आने वाला है, जो कि दोस्तों मेसी के साथ भी खेल चुका है। आपको अगर पता नहीं है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लास्ट जो भी टॉक एपिसोड था उस एपिसोड में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा इस खिलाड़ी के बारे में। और आज ऑफिशियली बेंगलुरु एफसी ने इनको घोषणा कर दिया है अपने टीम में। नेक्स्ट अपडेट है बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी के बीच एक ट्रांसफर को लेकर। तो बेंगलुरु एफसी ने अपना स्ट्राइकर मैनुएन ओनू को सेंड कर दिया है ओडिशा एफसी में। ओडिशा एफसी ने एडिनसन संतने के जगह इनको साइन किया है, लोन में लिया है बेंगलुरु एफसी से। बेंगलुरु एफसी के साथ अभी भी मैनुएन ओनू जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी परफॉर्मेंस करेगा ओडिशा एफसी की तरफ से बाकी बचा हुआ सीजन के लिए। तो चलिए देखते हैं, जिस तरह से बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेल रहा था जिसको और गया ओडिशा एफसी में और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था वहाँ पर, क्या मैनुएन ओनू उस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएगा ओडिशा एफसी की तरफ से, वो हमें देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट मैच पे। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फॉर्मर इंडियन वुमेन्स फुटबॉलर बेमबेम देवी के लिए। हाँ दोस्तों, बेमबेम देवी को इस बार भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन्स फुटबॉलर होगा जिसको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दे रहा है, खास करके इंडियन फुटबॉल के साथ साथ वुमेन्स फुटबॉलर के लिए भी। अगर इस तरह का मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग आगे जाकर इस तरह का अवार्ड अचीव कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा वुमेन फुटबॉल में, उनका पेरेंट्स उनको और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा इस तरह का अगर डिसीजन लिया जाए, वुमेन्स फुटबॉलर को भी इस तरह का अगर सम्मान मिले, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो कि आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, एटीके वर्सेस कैलिवेस्टेड एफसी के मैच के दौरान हब्बास और एल्को सिटेड के बीच एक बहुत ही बड़ा मुठभेड़ हो गया था, जो कि दोनों टीमों का हेड कोच है, साथ साथ एटीके का गोलकीपर कोच पिंडाडो इस चीज़ में इन्वॉल्व था। और इस चीज़ को लेकर अब AIFM ने थोड़ा बहुत जाँच पड़ताल किया और मिसकॉन्डक्ट पाया गया इन तीनों के बीच, तो उसके चलते 2 मैचों का सस्पेंड लगा दिया गया है हवास और पिंडाडो के ऊपर, साथ साथ एल्को सिटेड के ऊपर। एल्को सिटेड को 2 मैच का सस्पेंड है, साथ साथ 1,00,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद हवास को भी 2 मैचों का सस्पेंड मिला है, 1,00,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, लेकिन पिंडाडो को शायद 2,00,000 देना पड़ेगा फाइन और 2 मैचों का सस्पेंड है। लेकिन हवास ऑलरेडी 2 मैच सस्पेंड भुग चुका है, तो नेक्स्ट मैच में एटीए के अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन पिंडाडो के ऊपर अभी भी 1 मैच का सस्पेंड बाकी है और एल्को सिटेड के ऊपर अभी भी 2 मैचों का सस्पेंड बाकी है। तो नेक्स्ट जो 2 मैच होने वाला है कैलिवेस्टर एफसी का चेन्नई और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के साथ, इन दोनों मैचों में एल्को सिटेड अनअवेलेबल रहेगा, वो स्टैंड में बैठा रहेगा और उनका जो असिस्टेंट कोच आया है वही मैनेज करेगा टीम को फील्ड में। लेकिन एटीके के लिए गुड न्यूज ये है कि हवास नेक्स्ट मैच से ही जमशेदपुर एफसी के विरुद्ध जो होने वाला है वहाँ पर फील्ड में रहेगा और टीम को मैनेज करेगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।